क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बगल के आकृति में त्रिभुज एबीसी देखिए। त्रिभुज एबीसी में डी ए बी का मध्य बिंदु है, ये जो डी है ए बी का मध्य बिंदु है, और क्या कह रहा है कि पी बी सी पर कोई बिंदु है, ये जो पी है बी सी पर कोई बिंदु है। सी क्यू और पी डी देखिए, सी क्यू है ये और पी डी है ये, एक दूसरे के समांतर है। भुजा ए बी को क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं, भुजा ए बी को क्यू पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये सी पी, समझ गए ना। तो क्या दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू, देखिए बी पी क्यू ये वाला बराबर होगा हाफ ऑफ ए बी सी के। चलिए तो इसको साबित करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है क्या कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में डी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, चलिए मध्य बिंदु है। फिर आगे क्या कह रहा है, सॉरी मध्य बिंदु है, ठीक है मध्य बिंदु है, चलिए। और फिर कह रहा है कि यहाँ जो सी क्यू है ना, ये सी क्यू ये पी डी के समांतर है, सी क्यू समांतर है किसके, पी डी के, सी क्यू समांतर है पी डी के। चलिए जो जरूरी है इसमें वही लिखते हैं, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू जो होगा ना वो हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। ध्यान से देखिए बी पी क्यू इसका एरिया पूरे के हाफ होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। तो प्रमाण देखने से पहले इसमें भी आपको एक रचना दिखानी होगी जो आपके हिंट्स में दिया है, तो उसको रचना के रूप में लिखेंगे। रचना के रूप में क्या लिखेंगे कि जो ये मिला है पी क्यू को और सी डी को मिलाया, ये डॉटेड पहले ही आपके बुक में मिला दिया तो हम छोड़ दिए, उसी को लिख लिए। तो लिख देते रचना में पी क्यू और कौन सा है सी डी को मिलाया, इन दोनों को मिलाने का काम किया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद प्रमाण लिखते हैं। तो प्रमाण में देखिए हम लोग को पता है कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इतना तो आपको पता है ना। तो चलिए जब त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है तो देखिए एक ही आधार हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे ये डी पी, ये पी डी आधार मान लेते हैं, तो ये एक त्रिभुज बनेगा कौन सा, पी डी क्यू, और एक त्रिभुज बनेगा डी पी सी, और दोनों एक ही समांतर के बीच में है क्योंकि सी क्यू समांतर है ना पी डी के, और दोनों का आधार एक ही है तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी क्यू जो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी, समझ गया है ना, क्योंकि यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ ये जो आपका सी क्यू है समांतर है किसके, पी डी के, और दोनों का आधार ये आपका पी डी है, ठीक है। तो इतना समझ में आया ना आपको। अच्छा इसके बाद जो देख रहे हैं कह रहा है कि डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, यहाँ दे रहा है ना कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ये आपके पास दिया हुआ है। अच्छा जब ये मध्य बिंदु है, ठीक है ये तो आपके पास दिया है ना, ये दिया है, तो अगर वह मध्य बिंदु हो रहा है तो आप यहाँ दिखा सकते हैं ना, यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं कि अगर यह डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ये त्रिभुज ए बी सी का माध्य क्या होगा, सी डी, अतः सी डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका होगी, और माध्यिका क्या करती है उसे दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है कि नहीं, उस त्रिभुज को माध्यिका होगी। अच्छा जब माध्यिका होगी यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, देख लीजिए बी सी डी बराबर ए सी डी, क्योंकि ये माध्यिका है तो उसे दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करेगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी जो होगा ना वो हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, ये भी तो हो सकता है ना, पूरे का हाफ हो जाएगा। अब देखिए बी सी डी जो है, ये बी सी डी जो है इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है बी बी पी डी, देखिए बी पी डी, और प्लस एक दूसरा त्रिभुज ये वाला है आपका कौन सा है, तो डी पी सी, देख लीजिए ट्रायंगल डी पी सी बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी,
समझ गया। अब देखिए ये डीपीसी जो है, ये डीपीसी ये बराबर है पीडीक्यू को, तो इसको हटा के पीडीक्यू लिख दीजिए। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीक्यू, समझ रहे ना। चलिए और बराबर में 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए ये बीपीडी, ये बीपीडी और प्लस में है आपका पीडीक्यू, तो देखिए ध्यान से बीपीडी और पीडीक्यू ये दोनों मिलके बीपीक्यू नहीं बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये आपका प्रमाणित हो गया ना। तो चलिए ये समझ गए। अब क्या करते हैं, किसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो, अदर चैप्टर की लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सअप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।